हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीख रहे हैं और इससे पहले हमने 8.2 के कंस्ट्रक्शन के सम्स देखे हैं। बाकी के सम्स हमें देखना है, बट उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है, ये रही कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहला है रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल आपको पता है, रिक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज है रिक्टेंगल्स के, देखो। तो सबसे पहले आप समझ लो, ये तो बाजू के तो साइड्स हैं, बट ये जो अंदर से साइड गई है इसे डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। तो इसी बेसिस पर प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहला, अपोजिट साइड ऑफ रिक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। ये तो हमें पता है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट होती है। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये अंदर जो है, अंदर की साइड्स, ये डायगोनल्स है, क्रॉस लाइन्स, ये कॉन्ग्रेंट है। मतलब एसी और बीडी कॉन्ग्रेंट, यानी इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ रिक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बाइसेक्ट मतलब क्या, समझो यहां पे अगर मैंने ओ नेम रख दिया तो बीओ एंड ओडी इक्वल बन जाएंगे। मतलब बीडी अगर 10 है तो बीओ 5, ओडी 5 इक्वल, यानी इसे कहते हैं बाइसेक्ट होना। सिमिलर एसी के लिए भी रहेगा, समझो एसी 12 है तो एओ 6 हो जाएगा, ओसी 6 हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ बनेंगे। तो बाइसेक्ट होना मतलब हाफ होना, तो डायगोनल हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी बाइसेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको रिमेम्बर करनी है। नेक्स्ट है स्क्वायर। तो स्क्वायर देखो आप यहाँ पे, स्क्वायर आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है पहले से। 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ये भी पता है। बीच में जो क्रॉस लाइंस दिख रही है आपको, ये है डायगोनल्स। तो क्या प्रॉपर्टीज बनती है देखो अलग से, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब एसी एंड बीडी यहाँ पे भी कॉन्ग्रेंट है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ ऑफ पार्ट बनेगा, जैसे ऊपर बोले। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये नया है, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स क्रिएट होंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ओके, तो उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, डायगोनल की वजह से अपोजिट एंगल जो है बाइसेक्ट होंगे। तो ये देखो यहाँ पे, ये एंगल, ये एंगल, तो ये डायगोनल की वजह से 90 डिग्री का 40/45 हो जाएगा, 40/45। ये भी डायगोनल सिमिलरली करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एंगल के दो इक्वल पार्ट बनाएगा। सो डायगोनल्स की वजह से एंगल्स के दो इक्वल पार्ट बनते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई स्क्वायर्स की। आगे देखेंगे रॉम्बस। तो रॉम्बस क्या बोलिए प्रॉपर्टी देखते हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। रॉम्बस ये इक्वल साइड का होता है बराबर, और बीच में डायगोनल्स ड्रॉ की है, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट, ये वाला और ये वाला पूरा, ये वाला पूरा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रॉम्बस, सिमिलर प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दी है, अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करना। समझो है 70 है तो 30/30 हो जाएगा, 30/30, ये 120 है तो 60/60, इक्वल पार्ट बनेंगे एंगल्स के, बिकॉज ऑफ डायगोनल की वजह से एंगल के दो इक्वल पार्ट बनते हैं। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी हाफ ऑफ इक्वल पार्ट होगा यहाँ पे भी डायगोनल्स का। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, अभी आगे लास्ट है यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो कैसा है, क्रॉस है, रेक्टेंगल की तरह है बट ये क्रॉस थोड़ा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकते। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वली रहेगा, जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड इक्वल की, तो यहाँ पे भी रहेगी, बट 90 डिग्री के एंगल नहीं बन सकती क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो ये डायगोनल्स ड्रॉ किए, ओनली अपोजिट साइड इक्वली प्रॉपर्टी हमें पता है। आगे का देखते हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अपोजिट एंगल्स यहाँ पे भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, मैंने पहले ही बताया, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज आएगी पैरेललोग्राम्स की। तो फोर फिगर्स और उनके रूल्स प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रॉम्बस और पैरेललोग्राम। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो फोर्थ सम लेना है 8.3 का। आपके सामने लिखा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो चलो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल होते पता है, तो समझे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डायगोनल का मेजर कितना 26 सेंटीमीटर, वन साइड समझो कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो वन साइड फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल है बराबर, बट आप देख सकते हो तो यहाँ पे ट्राइंगल भी बनता है,
ओके सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री का है, क्यों? वो एंगल ऑफ रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके तो ओके एंगल बी 90 डिग्री का हो जाएगा। आगे क्या, तो ये पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हो आप यहां पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? डायगोनल स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर एसी स्क्वायर एंड रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 26 वैल्यू, ए बी कितना है नहीं है, बी सी कितना है 24 स्क्वायर। अभी 26 का स्क्वायर क्या आएगा वो लेना है और 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या आएगा वो ले लो, कितना आएगा 676, ओके ए बी स्क्वायर, और ये 24 का कितना स्क्वायर आएगा 576, तो इनका सब्सट्रैक्शन होगा ना ये वन साइड में, यस 676 माइनस 576 तो ए बी स्क्वायर कितना आना चाहिए 100, सो ए बी इज इक्वल टू कितनी होगी 100 यानी स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना मिलेगा 10, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिए तो ये हमें वन साइड मिल गई, ओके सो देयरफॉर अदर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके तो देखो ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन फोर्थ हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपके सामने है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस एबीसीडी आर 60 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो हमें क्या दिया है डायगोनल्स का लेंथ लिया है, ओके तो बोला है क्या साइड्स और पेरीमीटर ढूंढो, ओके तो क्या करेंगे साइड्स और पेरीमीटर ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले रॉम्बस ड्रॉ करते हैं, क्रॉस आएगा इक्वल साइड से, ठीक है तो चलो ए बी सी डी क्योंकि नेम ए बी सी डी है और ये बीच में डायगोनल्स, ओके तो अभी क्या, तो अभी डायगोनल्स तो ड्रॉ किए मतलब रॉम्बस कंप्लीटली ड्रॉ किया है, रॉम्बस के प्रॉपर्टीज यूज करो और फिर सॉल्व करेंगे। हमें दिया डायगोनल्स इन रॉम्बस एबीसीडी, डायगोनल्स एसी, एसी दिया है 16 सेंटीमीटर समझो, और बीडी क्रॉस साइड देखने ना, एसी डायगोनल बीडी डायगोनल, बीडी कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके तो ये दोनों डायगोनल्स है एसी एंड बीडी, यहां पे लिखते हैं एसी एंड बीडी आर डायगोनल्स, तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी दे लेंगे, तो एक तो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी कि परपेंडिकुलर है यहां पे और बाइसेक भी होते हैं हाफ हाफ, तो चलो हाफ हाफ लेंगे तो एक अच्छा सा ट्रायंगल ले सकते हैं यहाँ पे, बराबर तो पूरा डायगोनल का मेजर है तो हाफ ऑफ कर दोगे तो ये और ये मेजर मिल जाएगा, 90 डिग्री दिखाओगे परपेंडिकुलर तो ये यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं और ए भी मिल जाएगा, ठीक है तो चलो इसी के लिए ट्राई करेंगे, तो डायगोनल वाला प्रॉपर्टी लेंगे तो यहां पे समझो ओ से इंटरसेक्ट होता है, ओके डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, अच्छा तो क्या हो जाएगा एओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी एंड देखो एओ एसी के हाफ बीओ बीडी के हाफ, बीओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी हाफ हो जाएगा ना, डिस्कशन किया है पहले, एओ इज इक्वल टू एसी 16 है तो एओ कितना हो जाएगा 8 एंड बीओ कितना हो जाएगा बीडी अगर 12 लेता हूं 6, तो एओ और बीओ हमें मिल गया, ठीक है अभी परपेंडिकुलर बताते हैं, तो क्या बताएंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके इसका मतलब क्या
यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एंगल ओ ए बी एओ बी 90 डिग्री। ओके सुना, इन ट्रायंगल एओ बी ले लो, ट्रायंगल बाजू का एक कौन सा भी एक ट्रायंगल, सो एंगल एओ बी अब भी 90 पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके तो यहां पे ओनली ये ट्रायंगल लेना चाहिए, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, डायगोनल होगा ट्रायंगल का, तो उसका एबी का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ओके एओ स्क्वायर एंड बीओ स्क्वायर का एडिशन, रिमेनिंग टू स्क्वायर टू साइड्स। ओके वैल्यू फिलअप होगा और सॉल्व होगा, ठीक है अभी मैं यहां पे लिखता हूँ नीचे। ओके एओ कितना है 8, बीओ कितना है 6, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100, सो ए बी इज इक्वल टू 100 का रूट यानी 10 आएगा, सो ए बी 10 सेंटीमीटर, ये तो साइड हो गए बराबर, तो साइड तो मिल गए, पेरीमीटर ढूंढेंगे, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस ऑल साइड इक्वली होते ना, तो 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 10 कितना होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस। ओके यहां पे सम सॉल्व हो गए, ठीक है देखो ठीक से समझ लो। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, तो फिर आपको ढूंढना है डायगोनल क्या रहेगा, तो ओके साइड 8 सेंटीमीटर है, अपनी डायगोनल ढूंढना है, तो देखते हैं इन स्क्वायर ए बी सी डी, ओके साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है बराबर, डायगोनल ए सी पता करना है, तो एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ स्क्वायर। ओके नाउ लेते हैं ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री आ चुका है, पाइथागोरस थ्योरम ही लेना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके सबसे लंबी साइड ए सी मतलब डायगोनल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके ए सी तो नहीं है, ए बी है 8 स्क्वायर और बी सी 8 तो स्क्वायर हो जाएगा, 64 प्लस 64 कितना आएगा 128, तो ए सी इज इक्वल टू 128 स्क्वायर रूट में। ओके अभी क्या 128 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता है, तो 64 इंटू 2 हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है और 2 का नहीं आता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा एसी यानी डायगोनल, तो फाइनल लिखेंगे यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल 8 टू 2 सेंटीमीटर। ओके ये सब हो गया यहाँ पे, अब एक्सरसाइज का लास्ट सम हमें लेना है, ठीक है चलो देखते हैं। नंबर 7 स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रॉम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। ओके तो रॉम्बस की एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके तो रॉम्बस के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है सबसे पहले रॉम्बस ड्रॉ करते हैं, चलो पता चलेगा कौन सा एंगल पता है और कौन सा नहीं है, ए बी सी डी समझो बी 50 डिग्री का है, इन रॉम्बस ए बी सी डी और ऐसे लिखते हैं लेट ए बी सी डी इज रॉम्बस, समझो ए बी सी डी रॉम्बस है यहाँ पे,
एंगल बी हमें मिल गया 50 क्योंकि वो दिया है. ओके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्गृएंट होते हैं. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्गृएंट. ओके अगर ऐसा है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 50 मिल जाएगा. ठीक है तो अभी सी और एल चाहिए. तो देखो बी के बाजू में सी यानी एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, अब यहां पे दिया नहीं है प्रॉपर्टी बट आपको याद रखना है ये सप्लीमेंट्री मतलब साइड में जो एंगल है उसका दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए. ओके सो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. तो एंगल बी 50 है ना, तो एंगल सी चाहिए तो 180 माइनस 50 करना पड़ेगा. तो एंगल सी कितना आ जाएगा 130. ओके मिल गया एंगल सी. अब एंगल सी जितना है उतना ही एंगल ए रहेगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री. इसको 1 बोलते हैं और ये फॉर्म 1 प्रॉपर्टी है ना वो. तो मिल गए सब एंगल्स नीचे लिखेंगे. देयरफॉर एंगल्स ऑफ रोम्बस आर 50 डिग्री 130 डिग्री 50 डिग्री 130 डिग्री. ठीक है यहाँ पे एक्सरसाइज पूरा होता है. अभी हमें लेना है 8.3 के कुछ सम्स जो बाकी है. ठीक है सम नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स 8.3 मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 3x माइनस 2 ब्रैकेट 50 माइनस एक्स ब्रैकेट डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल. तो चलो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं. ओके तो मेजर लेते हैं ए बी सी डी समझो. तो हमारे पास दो मेजर है अपोजिट एंगल से. तो अगर बी ले लिया 3x माइनस 2 तो फिर डी हो जाएगा 50 माइनस एक्स अपोजिट एंगल. ठीक है तो सब एंगल ढूंढने हैं. लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. पहले बोला कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है मान लिया. ओके तो इससे क्या होगा अपोजिट जो प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की यूज करेंगे. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके एंगल बी इक्वल एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना यानी इक्वल होंगे बराबर. तो कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो भी चलेगा इक्वल लिखोगे तो भी चलेगा. तो एंगल बी है 3x माइनस 2 और एंगल डी है 50 माइनस एक्स. ठीक है तो क्या करेंगे एक्स वाला जो है इधर लिखे हो माइनस एक्स है प्लस एक्स चलेगा और 50 उधर ही है माइनस 2 ओनली नंबर उधर लिख दीजिए 4x और ये 52 कितना होगा 50 प्लस 2 होगा 52 होगा बराबर. ओके अभी क्या करेंगे 52 ऐसे ही x को उधर लेके जाओ 4 को उधर लेके जाओ डिवाइड होंगे. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 1 4 4 3 2. सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 13. अगर x मिल गया तो आप एंगल ढूंढ सकते हो कौन सा b या d कोई भी. तो समझो एंगल d ले लिया 50 माइनस एक्स बोला तो 50 माइनस 13 हो जाएगा तो कितना आना चाहिए तो 37 डिग्री. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 37 डिग्री. सो ये अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया है नंबर 1. जैसे वो कॉन्ग्रुएंट है वैसे ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट ही है बराबर. बट पहले देखते हैं अगर बी आपको 37 मिल गया तो सी कितना मिलना चाहिए. सो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे याद रखना.
एडजेसेंट एंगल, जो साइड बाय साइड जो होंगे वही आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी बी है अपने पास 37 डिग्री, तो एंगल सी भी ढूंढ लेंगे, ओनली 37 उस पर लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो मैंने लाइन ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता कर सकता हूँ। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 37 डिग्री, एंगल सी माइनस करो तो कितना आ जाएगा 143। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 143, दोनों इक्वल रहेंगे ना, अपोजिट है, फ्रॉम वन ऐसे रीजन दिया। सो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, सीक्वेंस देखेंगे यहाँ पे 37 डिग्री 143 डिग्री 37 डिग्री एंड 143 डिग्री। ओके, ये हो गया सॉल्व। देखो समझ में आया नहीं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, पैरेललोग्राम दिया है, मेजर्स दिए और बाकी के मेजर्स ढूंढने हैं। ओके, तो चलो देखते हैं, डब्ल्यू जेड 4.5 तो एक्स वाई कितना, डब्ल्यू जेड यानी कितना है 4.5 तो एक्स वाई कितना, सेम ही आएगा, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया अपना आंसर। दे आगे वाई जेड 8.2 है, वाई जेड कितना 8.2 है, तो फिर एक्स डब्ल्यू कितना आएगा, तो ये भी अगर 8.2 है तो ये भी 8.2 ही आना चाहिए। ओके, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अभी ओ एक्स दिया है यानी इतना ही अंदर वाला साइड है 2.5 है, तो पूछा है ओ जेड कितना, तो डायगोनल है ना ये और बाइसेक्ट होता है, जितना ये उतना ही आएगा आगे वाला, ओ एक्स 2.5 है तो ओ जेड भी 2.5 आना चाहिए क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते ना। यस, सो डब्ल्यू ओ 3.3 है, तो डब्ल्यू वाई कितना, तो ये 3.3 है तो ओ वाई 3.3 बनेगा, और 3.3 यानी डबल बनेगा डब्ल्यू वाई, मतलब 6.6 होना चाहिए, इक्वल होता है ना वहां बाइसेक्ट होता है तो इक्वल हो जाता है। ओके, डब्ल्यू जेड वाई एंगल 120 है, डब्ल्यू जेड वाई ये वाला एंगल 120 है, तो डब्ल्यू एक्स वाई कितना, डब्ल्यू एक्स वाई कितना आएगा, अपोजिट एंगल है उतना ही आना चाहिए 120 डिग्री। और अभी पूछा एक्स डब्ल्यू जेड कितना आना चाहिए, एक्स डब्ल्यू जेड कितना आना चाहिए, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा 180 के लिए, एडिशन के लिए कितने कम पड़ेंगे वहां, यहाँ पे आ जाएंगे, अगर ये 120 है तो ये कितना आएगा 60 आएगा, हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे सम्स सॉल्व किए, ठीक है, और ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको सब सम समझ में आए रहेंगे। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।